आप बताते हैं, बहुत बढ़िया सवाल पूछा भाई आप काम की बात पे। टीवी अखबार इसलिए साथ नहीं है, इस देश में एक एंकर है बड़े मीडिया हाउस की, 2 महीने पहले रोने लगी, मेरा दिल भर रहा है, आंसू नहीं रुक रहे हैं, गला नहीं खुल रहा, क्योंकि एक बच्ची का रेप हो गया और उसके बाद मैं बोल नहीं पा रही हूँ। कहाँ है वो एंकर? उन्होंने कल बहुत बढ़िया बात कही, मुझे बहुत ठीक लगी, सच बता गए, गलती सही सही। उन्होंने कहा कि हम अपराधियों की चुन चुन के इलाज करते हैं। अब वो चुनते कैसे बता रहा हूँ। अपराधी आया, पूछा नाम तुम्हारा, फलाना जी। अच्छा ये बताओ कौन सी पार्टी से हो? भाजपा से हो? अरे मेरे बच्चे तू इधर कहाँ, तू कहाँ खड़ा हो गया यार लाइन में? हाँ जी कहाँ से हो? बोला जी हम तो यूपी से। कौन सी पार्टी से? फलाना पार्टी से। सुबह दिशा निर्देश जारी होता है कि प्रधानमंत्री से जब सवाल पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो? कानून बता रहे सर, वो लागू करवा दो आप। इस देश का कानून है आईपीसी सेक्शन 166A। जिस भी पुलिस के अधिकारी ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी, पहली एफआईआर उस पे कराओ। कहता है पब्लिक सर्वेंट जो एफआईआर दर्ज करने से मना करेगा तुरंत उस पे कार्रवाई होगी। इस आदमी ने 1980 में पहली बार स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन की। इंडियन एक्सप्रेस ने, द वायर ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है, बाकी पत्रकारों में वो हिम्मत रही नहीं कि उस लेवल की रिपोर्टिंग इस आदमी के बारे में कर दे। इस आदमी ने 1980 में सर पहली बार स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन की, जिसके तहत इस आदमी पे 1991 तक आते आते जब ये पहली बार एमपी बना, इस पे बाइक चोरी से लेकर के तमाम इस तरह के अपराध हैं जिनमें ये लिप्त पाया गया, जिन पे एफआईआर है। और ये कहा जा रहा है कि उस टाइम 1991 में पंडित सिंह जो कि एसपी के सपा के एक मंत्री थे, वो इनके साथ दोस्ती में घूम रहे थे। 1993 में जाकर के इनके और पंडित सिंह के बीच में विरोध हो जाता है। उसके बाद विरोध के बावजूद पंडित सिंह कहते हैं कि मेरे ऊपर 20 गोलियां दागी गई। इन्होंने मुकदमा कर दिया कोर्ट में। कोर्ट में मुकदमा होने के बाद 29 साल वो इस देश में केस चला। कब फाइल हुआ था? 1993 में। याद रखना इस आदमी में पहली एफआईआर 307 के केस में, 307 में इस पे एफआईआर सुन लीजिए, आईपीसी 307, आईपीसी 147, आईपीसी 148 एंड आईपीसी 149। ये 1993 पे लग गई पांचों आईपीसी इस आदमी पे। उसके बाद 307 के बाद जब ये मुकदमा 29 साल चला, 2021 में कोरोना की वजह से पंडित सिंह की डेथ हो गई। और कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि इस केस में कोई बढ़िया इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, और कोर्ट को अफसोस है कि इस देश में वो पुलिस ने हथियार भी कम से कम सामने नहीं रखा जिससे वो 20 गोलियां दागी गई थी, मतलब वो इन्वेस्टिगेशन दब गई। उसके बाद ये भाई साहब तो कोई मोदी जी नहीं थे ना, तब भारतीय जनता पार्टी थे, तब भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, आप मेरा सवाल समझ लीजिए, ये आदमी कितना कीमती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए। लाख मोदी आ जाए लेकिन इसको संरक्षण भारतीय जनता पार्टी का मिलता रहा है। मैं आपको बताता हूं, आगे आप बढ़िए। इस आदमी के बाद ये खुद कह रहा है कि पंडित सिंह के भाई रविंदर सिंह मेरे साथ एक सभा में थे और उस सभा के अंदर एक गोली चली और मैंने तुरंत राइफल उठाई, सामने वाले को मार दी, एक मर्डर मैंने कर दिया। इसका वर्ड कोट करता हूं, पत्रकार को इसने कहा, हां मैंने आदमी मार दिया तो मार दिया, दुनिया कुछ भी कहे, जैसे अब कह रहे हैं जो बैठा है धरने पे, मैं तो मजे में हूं। इस आदमी का एटीट्यूड देखिए किस लेवल का है। उसके बाद इस आदमी पे मुझे ये बता दीजिए, 1996 में इस आदमी को भाजपा ने टिकट क्यों नहीं दिया था? क्योंकि इस आदमी पे दाऊद इब्राहिम के साथ मिले होने के आरोप थे, टाडा एक्ट लगा था और ये आदमी जेल में था। जिस आदमी पे टाडा एक्ट लगा हो, तथा कथित राष्ट्रवादी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी टाडा एक्ट लगे हुए व्यक्ति की पत्नी को टिकट दे देती है, कौन से राष्ट्रवाद की ढोलक तब बजी थी, कौन से राष्ट्रवाद को गुनगुनाया जा रहा था? टाटा से बड़ा अपराध नहीं, और राष्ट्रवाद के तहत टिकट दे दिया इसी की पत्नी को, वो एमपी बन गई। साहब यहां तक नहीं, इस देश के युग पुरुष हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनका सम्मान विपक्षी लोग भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी राजनीति की ही नहीं कि सोनिया गांधी को विषकन्या कह दिया हो। उस आदमी ने यह खुद ही कह रहा है कि 2004 में जब घनश्याम शुक्ला को बीजेपी ने टिकट दिया, इत्तेफाक ऐसा हुआ चुनाव के दिन वायर एक्सीडेंट में मौत हो गई। खुद कह रहे हैं घनश्याम शुक्ला के एक्सीडेंट में चुनाव के दिन मौत। बोला अटल जी ने मुझे फोन किया, कहा मरवा दिया, ये बता रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी रिपोर्टिंग आप पढ़िए, अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे फोन करके कहा मरवा दिया। जिस देश के आदमी को अटल बिहारी वाजपेयी जैसे युग पुरुष ने कोर्ट से पहले कह दिया हो तुमने आदमी मार दिया, उस पर भी क्या भाजपा को यकीन नहीं है? क्या श्रद्धांजलि दे दी गई अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस आरोप को भी? भाजपा ने संरक्षण 1996 में दिया, बड़ा आरोप टाडा का, दाऊद इब्राहिम से संपर्क टिकट दिया गया। उसके बाद अटल जी की भी बात नहीं मानी गई, ये आदमी किसी का सगा भी नहीं है सर। इस आदमी को दिखा 2009 में सरकार बनेगी कांग्रेस की, भाजपा खाएगी धूल, इस आदमी ने पाला ही बदल लिया। 2008 में भाजपा का एमपी, न्यूक्लियर डील का मामला, संसद में सरकार गिरने का यूपीए की तैयार, ये भाजपा खिलाफ जाकर के वोट कर गया कांग्रेस को, किसके कहने पे? मुलायम सिंह के। अब मुलायम सिंह के कहने पे कर गया तो मुलायम सिंह ने टिकट दे दिया 2009 में। ये आदमी इतना बड़ा राजनीति का चक्रव्यूह घेरे हुए है। मेरा सवाल सर, हम राजनीति को खूंटी पे टांग रहे हैं आज, हम किसी के वोटर और सपोर्टर नहीं, छोटी चीजें होती है, मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है, मुझे बताइए यहाँ अखिलेश यादव कब आएंगे?
तो आप इतना जब इतना आप ही बखान करें कि आदमी इतना बड़ा क्रिमिनल है, आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, डर हमको नहीं लगता। डर तो जब बेटी की इज्जत चली गई तो मेरी जान तो उससे छोटी ही चीज है। जिसकी बेटी की इज्जत चली जाए, बहन की इज्जत चली जाए, जान तो छोटी चीज है सर, चली जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ से सादत उठी तो वो सादत इस छोटी सी बेटियों का भविष्य लिख के उठेगी कि बेटी खुल के सड़क पे चलना, आज के बाद ब्रजभूषण यादव इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं होगा। कोई ब्रजभूषण यादव नहीं, गलती से ब्रजभूषण शरण सिंह इस देश में पैदा ही नहीं होगा। लेकिन अखिलेश यादव कब यहाँ आएंगे, ये भी हमारे जहन में सवाल है। उन्होंने तो कहा है कि अखिलेश यादव खेल सा, ये ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव सच्चाई जानते हैं इसीलिए वो धरने में नहीं गए हैं, 8,000 यादव पहलवान उनके साथ। तो भाई एक काम करें, अखिलेश यादव भी एक तख्ती आज शाम को ही जारी कर दे कि मैं शक्ति जानता हूँ, मैं सच्चाई जानता हूँ, तथा कथित युग पुरुष ब्रजभूषण शरण सिंह इस देश के सबसे होनहार व्यक्ति है। अखिलेश यादव ने नहीं कहा है, ब्रजभूषण सिंह नहीं। अगर देखो अखिलेश यादव को कल ही इस आरोप को खत्म करने के लिए तुरंत यहाँ पहुंचना चाहिए, बेटियों का मामला है। आपको क्यों लगता है कि सरकार या बीजेपी आरोपी है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है, FIR हुआ है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन काम कर रही है, आप लोगों को क्यों लगता है कि सरकार इसको बचा रही है हवे में? देखिए सर, हम फैक्ट पे बात करते हैं, धारणा पे नहीं। आइए फैक्ट पे बात करते हैं। क्या इस देश में 2013 की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की नहीं है कि इस तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस जो भी होगा उस कॉग्निजेबल ऑफेंस में इमीडिएट FIR होगी? बताओ ये रूलिंग है कि नहीं? रूलिंग है इस तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस। जनवरी में ये बच्ची आई, आरोप लगा, क्या इमीडिएट FIR होनी थी? नहीं हुई। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, उस बार ये खिलाड़ी पुलिस में नहीं गए।